वेलकम वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। हैप्पी नवरात्रि। आज मैं नवरात्रि की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, करेले की सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो कि बहुत स्वादिष्ट बनती है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सिर्फ नमक हल्दी और मिर्च डालकर ये बनाई है सब्ज़ी, और जल्दी भी बन जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है ये, बिल्कुल सिंपल है। करेलों को पहले अच्छे से धो लिए तो उन्हें एक कट लगा दें बीच में से, अच्छी तरह से धोकर छिलके के साथ ही बनाने हैं ये, छिलके के बिना भी बना सकते हैं आप। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म होने पर सीधे हमने कुछ नहीं डालना है और करेले डाल देने हैं। नवरात्रि चल रहे हैं तो लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होगा, और टमाटर तो डाल सकते हैं लेकिन अगर जल्दी हो तो आपको इस तरह से बनाने हैं। ये भी कुरकुरे से बनेंगे, करारे करारे बनेंगे। सिर्फ नमक हल्दी मिर्च डालनी है इसमें और कुछ नहीं डालना है। ये करेले भी चपाती के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये भी एक अपने तरीके से ही स्वाद होता है इनका, तो ऐसे करके बनाएं, छिलके भी ना उतारें। तो इसमें कितने विटामिन्स होंगे आप देख लें, छिलके बीच में हैं। हल्दी डालें पहले, फिर मिर्ची डाल दें, कश्मीरी मिर्च डाल दें, और लाल दड़ा मिर्च डाल दें, थोड़ी सी दूसरी मिर्च डाल दें स्वाद के लिए, और ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी, जितना आपको लगे कि नहीं इतना ठीक है, और नमक डाल लें। बस कुछ नहीं करना है, इनको चलाते रहना है, चला चला कर इनको पकाना है, हिला हिला कर। अब इनको हम कलछी की सहायता से पलट पलट के बनाते रहेंगे,
क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि ये अच्छे से फ्राई होते रहें, और जो ये जब फ्राई हो जाएंगे फिर ये तेल बच भी जाएगा, और फिर इस तेल में कोई और सब्ज़ी बना लीजिएगा, तेल वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन ये थोड़े खुले तेल में ही बनेंगे ताकि इनको करारा कर सकें हम। तो इनको ऐसे ही ये पलट पलट कर बनाते रहें, जिस साइड से पक जाएं तो उसको पलट दें, जो कच्ची साइड है फिर वो नीचे की ओर ले आएं। बस ऐसे ही पलट पलट के बनाना है इनको, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। आप चाहें तो आमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, और जो पाउडर मसाले हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले डालने से भी सब्ज़ी कड़वी सी हो जाती है, इसलिए वही मसाले डालें जो कि ज़रूरी हों, बेहद ज़रूरी हों। बस देखें ये साइड्स पकना शुरू हो गई हैं, तो हम साइड्स को पकाते जाएंगे, देखते जाएंगे, जो जो वाली साइड पक जाएगी उसको ऊपर कर देंगे और कच्ची साइड को नीचे, ऐसे ऐसे करके हमको पकाना है। तो 10 मिनट में ये करेले बन जाते हैं। अब ये करेले थोड़े थोड़े पक चुके हैं, ये देखें कैसे पकते जा रहे हैं। जो भी साइड पक रही है उसको उलट पलट करते रहें, और 10 मिनट में बस ऐसा करने से सारे करेले आपके पक जाएंगे। जो भी तेल बच जाएगा उसमें हम दूसरी सब्ज़ी भी बना सकते हैं।
अब जैसे जैसे ये करेले बनते जाएंगे वैसे वैसे ही ये तेल काला सा होता जाएगा। जैसे करेले काले काले हो जाएंगे, करारे से बनते जाएंगे, तो तेल भी काला काला होता जाएगा। तो घबराइएगा नहीं कि तेल काला हो गया है या सब्ज़ी हमारी ख़राब हो गई, तो ये तेल मसालों की वजह से काला हो जाता है, लेकिन ये हमारे करेले भी काले से ब्लैकिश हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन करारे करारे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। और चपाती के साथ खाइएगा और साथ में दही लीजिएगा तो बहुत ही टेस्ट आ जाएगा आपको। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये और हेल्दी भी होते हैं। प्याज और लहसुन के बिना अगर हम बनाएंगे ऐसे करेले तो बच्चे भी खा लेंगे, वो भी प्याज लहसुन को पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो खाते नहीं हैं। सिंपल करेले वो भी पसंद करते हैं, उन्हें भी दही के साथ दीजिएगा, बहुत शौक से खाएंगे वो भी। एकदम से हेल्दी रेसिपी है ये और सिंपल रेसिपी, और कह सकते हैं कि क्विक रेसिपी, जल्दी बनने वाली। जो भी करेला बनता जाए, पकता जाए, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, ब्राउनिश वगैरह ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश हो जाए करारा, उसको आप निकालते जाएं, तो बाकी वालों को फ्राई करते रहें ऐसे, और धीरे धीरे करके हम सबको निकाल लेंगे और तेल हमारा रह जाएगा। और देखें कितना अच्छा बन गया है, करारा सा और वेटलेस हो गया है ये। हाँ, इसका जो वेट है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्के फुलके से हो गए हैं। जब समझें कि हल्के फुलकी चीज़ कोई हो गई है तो इट मीन्स कि वो सारी की सारी बन चुकी है अच्छे से, तो ये भी हल्के फुलके हो गए हैं, तो इनको हम निकाल सकते हैं। अब बन चुके हैं ये, तो एक एक करके निकालते जाएंगे हम। तेल काला काला हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बनेंगे करेले तो बाद में ऐसा ही हो जाएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली मेरी न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके और आप उसको वॉच कर सकें, देख सकें, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बने हैं ये करेले। अब बच गया है ये काला काला तेल, ये किसी और सब्ज़ी में भी काम आ जाएगा, जो इस प्रकार से ही हमें बनानी होगी बिना प्याज के, बिना लहसुन के। ये देखें बहुत ही अच्छे बने हैं, इनको आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे हम अचार खाते हैं।
और सब्ज़ी फुलका और दही भी खा सकते हैं। सब्ज़ी ये फुलके के साथ खाने होंगे ये करेले, तो दही के साथ ही खा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।